brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब कांग्रेस पार्टी की नज़र हरियाणा प्रदेश पर है। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया गया है और आज पानीपत की इस न्याय संकल्प रैली में कांग्रेस की जो कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी, वो लगभग 12 बजे कार्यक्रम में पहुंचेगी। पानीपत अनाज मंडी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तैयारियों का जायजा आप देखिए। यहाँ पर पूरे शेड के नीचे गैलरी बनाई गई है और तकरीबन 10 गैलरी बनाई गई है, कुछ महिलाओं की, कुछ पुरुषों की, अलग अलग गैलरी बनाई गई है। तो ये यहाँ पर तैयारी पूरी है। और हमारे साथ हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू हमारे साथ है। कुंडू साहब, कितने बजे का कार्यक्रम है और कौन कौन लोग? देखिए, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी रैली में पहुंच जाएंगी। और अभी आप देखना, लोगों में इतना भारी जोश है मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। मनोहर लाल खट्टर जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते ही किसी वर्ग का काम तो किया ही नहीं, काम ना करने के साथ साथ हर वर्ग को अपमानित करने का काम भी किया। इस बात को लेकर जनता तो इंतजार में बैठी थी। आप देखना, आज लाखों लाखों की संख्या में पानीपत और करनाल जिले के लोगों का हुजूम निकल के आएगा और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रैली में होंगे। और आज की ये रैली 25 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है और चुनाव के नतीजे आने, आज ही नतीजा डिक्लेयर हो जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? प्रियंका गांधी आ रही है, राहुल गांधी, क्या सर कुछ बदलेगा? क्योंकि अभी ये अनुमान लगाया जाए, क्योंकि सेंटर से बीजेपी की नेता भी काफ़ी रैली कर चुकी है, तो क्या ऐसा क्या रहेगा? निश्चित तौर पर आप देखिए ना, मनोहर लाल जी जिस दिन चुनाव में आए तो कह रहे थे ना, मैं कहीं गाँव में जाऊँगा, और आज सारे गांव में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से लेके, अमित शाह जी से लेके, राजनाथ से लेके, सारी बीजेपी क्यों यहाँ चक्कर काट रही है? कहीं ना कहीं इनको पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी की हार निश्चित है। और आप देखना, एक 31 साल का नौजवान, एक आम साधारण कार्यकर्ता को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, वो इतिहास रचने जा रहा है। क्या कितना असर देखने को मिलेगा राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी के, जो रैली लगातार ये लोग करें हरियाणा में? बिल्कुल, राहुल जी और प्रियंका जी हमारे नेता और देश, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप देखो, जहाँ जहाँ भी राहुल जी जा रहे हैं, लोगों को सच्चाई, भाईचारे का, प्यार का संदेश जो उन्होंने दिया, लोगों में बहुत देखने की चाहत है, सुनने की चाहत है राहुल जी और प्रियंका जी को। आज भी आप देखना, कितने लोग आने वाले हैं, क्या मैं आज कोई गिनती नहीं, आप देखोगे आज सारी पानीपत की रैलियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये चुनाव अब दिव्यांशु बुद्धि राजा वर्सेज मनोहर लाल खट्टर नहीं है, ये चुनाव करनाल और पानीपत की जनता बनाम मनोहर लाल खट्टर है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा यूथ कांग्रेस के सचिन कुंडू, जिन्होंने कहा कि आज की जो रैली है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इस कार्यक्रम में आज प्रियंका गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और तमाम हरियाणा के कद्दावर नेता इस मंच पर मौजूद होंगे। और जो कुछ ही देर में हरियाणा के तमाम नेता पानीपत पहुँचने वाले हैं और लगभग 12 बजे प्रियंका गांधी रैली में पहुंचेगी और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो सत्ता पक्ष पर जमकर बरसने वाली है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।